सर मेरा नाम शैलेंद्र डिंगरा है। मैं बेसिकली अम्बाला हरियाणा, एक डिस्ट्रिक्ट अम्बाला के अंदर जो है एक छोटा सा गांव है रायवाड़ी, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ। परिवार में पिताजी मेरे सरकारी स्कूल के अंदर टीचर थे और वही कमाई का एक जरिया था। कोई जमीन नहीं थी, कोई लैंड नहीं थी, कमाई का कोई अन्य सोर्स नहीं था। सिर्फ एक नौकरी जो सरकारी थी पिताजी की, उसी से ही हम लोगों ने जो है पूरे पूरे परिवार को उन्होंने पाला पोसा। परिवार में सबसे बड़ा मैं लड़का और मेरे से छोटी 3 बहनें, हम चारों भाई बहनों को अच्छे तरीके से पढ़ाया लिखाया गया। मास्टर ऑफ कॉमर्स की डिग्री मेरी क्वालिफिकेशन है, पीजी डिप्लोमा किया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में, और तीनों बहनें भी मेरी जो है पोस्ट ग्रेजुएट है फैमिली में, एमए बीएड है। सो पढ़ाई लिखाई खत्म हुई, और पढ़ाई लिखाई खत्म होने के बाद जब जीवन में सामना हुआ, जब कमाई की तरफ आदमी का ध्यान जाने लगता है, तो फिर वो सपनों की दुनिया से निकल के रियल की दुनिया में आता है। सरकारी नौकरी मिली नहीं, या यूं कहे कि उतने ज्यादा भी क्वालिटी मतलब इंटेलिजेंट नहीं थे कि ले नहीं पाए, आप ऐसे भी कह सकते हैं उसको। और प्राइवेट नौकरी से मैंने अपने सफर को चालू किया। 1500 रुपये की एक प्राइवेट नौकरी, जिससे मेरे करियर की शुरुआत हुई। एक फैक्ट्री के अंदर स्टोर असिस्टेंट की जॉब मुझे मिली, वहां से मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग की। 4.5 साल लगातार मेरा प्राइवेट जॉब का करियर रहा दोस्तों, और 4.5 साल में 1500 रुपये से बढ़ के वो सैलरी जो है वो लगभग 5-1 हजार रुपये महीना तक पहुंची। अब 5 हजार रुपये महीना की तनख्वाह में भी ना तो आदमी खुल के जी पा रहा था, ना मर पा रहा था, यानी ना हंस पा रहे थे ना रो पा रहे थे। यानी वो जैसे नौकरी की एक डेफिनेशन होती है ना, भी तरक्की करने नहीं दूंगी और भूखा मरने नहीं दूंगी। भाई इतना पैसा कभी नहीं आपको मिलेगा कि आप बहुत बड़ी तरक्की कर जाओ या बहुत अच्छी गाड़ी में घूम पाओ, लेकिन इतना पैसा तुम्हें प्राइवेट जॉब के अंदर मिलता रहेगा कि तुम मर ना सको। कुछ इस प्रकार की सिचुएशन मेरी लाइफ के अंदर जो है वो चल रही थी। जीवन में ख्वाब बहुत बड़े थे, पाना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन कोई जरिया नहीं था। तो परमात्मा ने जो है वो मेरी सुनी, प्रार्थना सुनी, और परमात्मा ने जो है मेरे गांव में, मेरे पड़ोसी के घर में 2 व्यक्तियों को आरसीएम समझाने के लिए जो है भेज दिया। वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति उस समय जरूर थे, और उन्होंने आरसीएम समझाया, तो उस समय जो है जिस व्यक्ति को आरसीएम समझाया गया, तो उनको वो आरसीएम जो है प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आया। तो उसने अपने छोटे भाई को कहा कि जा जरा भैया को देखना, अगर आज घर पे हैं, संडे है, अगर घर पे हैं तो उनको बुला रहा, वो समझ लेंगे, अगर उनकी समझ में आ गया तो हम भी कर लेंगे। तो छोटा भाई बुलाने आ गया। वो कहता कहता जी हमारे घर पे 2 व्यक्ति आए हैं, वो किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं, और बड़े भाई ने आपको बुलाया है। वो कह रहे हैं कि भी आप आके समझो, अगर आपकी समझ में आया तो हम भी कर लेंगे दोनों भाई। मैंने कहा यार ऐसा क्या आ गया कि जो मतलब आप मेरे को घर से बुलाने आए हो और जो आपकी समझ में नहीं आया, तो मतलब आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे भी समझ में आ जाए। मतलब इतने तो रहने वाले जो मतलब पड़ोसी हैं आपस में, तो इतना ज्यादा तो है नहीं कि मेरा आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा तुम लोगों से आएंगे। अरे चलो देख के आते हैं। तो उस दिन लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। 2 व्यक्तियों से मुलाकात हुई, जो उस वक्त जो है एक बहुत साधारण से शख्स थे आरसीएम बिजनेस के अंदर, लेकिन आज दोनों के दोनों व्यक्ति हिंदुस्तान के पटल पे आरसीएम बिजनेस में अपनी बहुत बड़ी पहचान बना चुके हैं। मेरे गुरुदेव आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर, स्टार ऑफ अचीवर, और दूसरे जो व्यक्ति थे हिंदुस्तान के शाइनिंग स्टार आदरणीय राकेश शर्मा सर जो है सफायर अचीवर जो है, दोनों व्यक्तियों से मुलाकात हुई। पहली बार मुझे 3 शब्द मेरे कानों में पड़े, आरसीएम। मुझे बताया गया कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, अभी फॉरेन में चल रही है, धीरे धीरे जो है ये इंडिया में स्टार्टअप होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। सारी प्लान सुनने के बाद भी फर्स्ट टाइम मैंने सुना आरसीएम की प्लान को। और आप यकीन करना कि कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी ये सारी बातें मेरे सर के ऊपर से निकली। फर्स्ट टाइम जब मैंने आरसीएम को देखा, ये बातें मेरे सर के ऊपर से निकल गई, और मैंने जो है लास्ट में कंक्लूजन के तौर पे एक चीज कही। मैंने कहा सर कंपनी ने आपकी जो है ना स्कीम बहुत अच्छी बना रखी है, ये कपड़ा जो है कंपनी बेचने का बहुत अच्छा ट्रिक आपकी अपना रखी है, और जो है इस तरीके की बातचीत जो मेरा कंक्लूजन निकला फर्स्ट टाइम मैंने प्लान, ये बिल्कुल रियल बातचीत मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपनी लाइफ की। तो वो समझाते रहे कि नहीं ये डायरेक्ट सेलिंग है, इंडिया में आएगी, ये होगा ऐसे होगा, कानून बनेगा कल को, फॉरेन में इस तरीके से सिस्टम चलता है, सारी बातें जो है होती रही। लास्ट में मैंने एक चीज पूछी कि इस बिजनेस को अगर शुरुआत करनी तो पैसा कितना लगता है।
वहां से जवाब मिला कि 1280, उस समय जो है किट आया करती थी, तीन पैंट और तीन शर्ट जो है। मैंने कहा जी दोगे क्या? बोले जी तीन पैंट और तीन शर्ट। तो ये कैलकुलेशन लगाई कि 400 रुपए की पैंट शर्ट हुई तो तीन पैंट शर्ट 1200 रुपए की तो होगी, बिजनेस तो चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा तो अपना भी क्या लेगा। बस ये बात सोच के मैंने उस दिन जो है फार्म को साइन अप किया। और उसके बाद लगातार 2-2.5 महीने तकरीबन जो है मैं फिर आरसीएम को भूल गया कि मैंने किस चीज को हाथ लगाया, किस चीज के फार्म पे साइन किए थे। 2-2.5 महीने फिर मेरी लाइफ में अगले चले गए बिना कोई आरसीएम की बातचीत। लेकिन 2-2.5 महीने के करीब जो है वो बाद में जो है मेरे पास फिर फोन आता है आदरणीय राकेश शर्मा सर का, और मुझे इनवाइट किया जाता है कैथल के अंदर एक मीटिंग के अंदर कि वहां आरसीएम की एक मीटिंग होने जा रही है, आप आइए। 3-4 बार ना नुकर की, लेकिन जब कोई चारा नहीं चला और बार बार वो फॉलो अप कर रहे थे, तो फॉलो अप करने के बाद जो है मैंने सोचा कि चलो बार बार कह रहे हैं तो इतना ज्यादा कहलवाना भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं मीटिंग देखने के लिए चला गया। मैंने कहा सर मीटिंग तो मैं देख लूंगा आके आपके कहने पर, लेकिन मैं आरसीएम करूंगा नहीं। वो बोले कोई बात नहीं मत करना, तुम मीटिंग देखने आ। मैं उस मीटिंग में चला गया दोस्तों। वो मीटिंग थी आदरणीय बीसी छावड़ा साहब। उस मीटिंग के अंदर गया आदरणीय छावड़ा साहब जो है बड़े जबरदस्त और जोश और जुनून से वो मीटिंग चल रही थी कैथल के पंचायत भवन के अंदर। सारी बातें सर के ऊपर से निकलती जा रही थी क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं किसी इंडस्ट्री की पहली बार में कोई मीटिंग अटेंड कर रहा था। MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सारी बातें जो है डायरेक्ट सेलिंग, ये सब बातें जो है फर्स्ट टाइम मेरे को सुनने को मिली। वो मीटिंग चलती रही, समझ में कुछ नहीं आ रहा क्योंकि 30 रुपए का एक चलान उस समय कटा हुआ था बाहर गेट पे। तो मैंने सोचा तो समझ के तो जाऊंगा आज की यहाँ बातचीत क्या। मैं स्टेज के बिल्कुल पास खड़ा रहा और बातचीत को देखता रहा क्योंकि रश बहुत ज्यादा था उस मीटिंग में। इतने में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया उस मीटिंग में जिसने मेरी पूरी की पूरी लाइफ को चेंज करके रख दिया। वो टर्निंग पॉइंट क्या था कि वहां पे रॉयल्टी अचीवर को स्टेज पे बुलाया गया। एक रॉयल्टी अचीवर के हाथ में जो है माइक आता है मैसेज देने के लिए। रॉयल्टी अचीवर मैसेज देते हैं कि मेरा नाम कश्मीर नेहरा है और मैं जींद के पास एक छोटा सा गांव है ईटन कलां जहां का मैं रहने वाला हूं। मैं पिछले 15 साल से खेत में हल चला के खेती करता हूँ और 1.5 साल से आरसीएम बिजनेस करता हूँ, खेती के साथ साथ आरसीएम बिजनेस करता हूँ, और मेरे पिछले महीने की इनकम है 25,000 कुछ रुपए। फिर उन्होंने कहा कि इस हाल में जितने भी लोग बैठे हैं आप सब में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं हूं। मैं अपनी क्वालिफिकेशन बता दूं क्या? तो लोगों ने कहा जी बता दो। तो नेहरा साहब वहां स्टेज से बोले कि मेरी क्वालिफिकेशन छठी क्लास फेल है। एकदम से मैं सन्न रह गया क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएट आदमी, 5,000 रुपए महीना की सैलरी के लिए जो है सारा दिन धक्के खाने पड़ते थे, और एक व्यक्ति मेरे सामने कह रहा है कि छठी क्लास फेल मेरी क्वालिफिकेशन है और 1.5 साल के अंदर मैं 25,000 रुपए महीना की इनकम इस बिजनेस से ले रहा हूँ। तो बिजनेस तो बाद में समझ में आया लेकिन मिस्टर नेहरा पहले समझ में आया। मैंने उनसे कहा कि सर, जैसे ही मीटिंग में ब्रेक हुआ तो मैं उनके पास चला गया डायरेक्ट। मैंने कहा मां सर आपसे बात करनी है, बल्ला जी को बताओ। मैंने कहा सर एक बात सही सही बताना, क्या वाकई में ही 25,000 रुपए महीना आ सकता है? क्योंकि जिसने 5,000 कमाया वो लाइफ में मैक्सिमम अपनी टाइम में अपने सर्विस के अंदर, तो उसके लिए 25,000 बहुत बड़ा अमाउंट था। तो मैंने कहा सर आ सकता है क्या? तो उन्होंने मेरी तरफ थोड़ी सी गौर से देखा और फिर बोले कि आप पहली बार मीटिंग में आए हो क्या? मैंने कहा सर पहली बार मीटिंग में आए। तो उन्होंने अपने जेब से जो है वो लिफाफा निकाला, उस समय जो है चेक और स्टेटमेंट आया करती थी साथ में रख के रजिस्टर्ड लेटर से। तो उन्होंने चेक मेरे हाथ में दिया और स्टेटमेंट जो है दिखाई मेरे को, उनकी मिसेज के नाम से आईडी थी। तो मैंने फिर थोड़ा सा, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी के साथ दिक्कत क्या होती है, थोड़ा सा चालाक होता है आदमी, है ना, थोड़ा सा जब आदमी पढ़ लिख जाता है तो उसको लगता है कि इस दुनिया में एक ही समझदार आदमी पैदा हुआ है और वो मैं, ऐसा लगता है। मतलब उस समय मेरे को भी ऐसी फीलिंग थी। तो मैंने थोड़ी सी चालाकी दिखाई, मैंने कहा सर इसकी फोटो कॉपी मिल जाएगी क्या? मैंने सोचा कि अगर डुप्लीकेट दिखा रहे होंगे तो नहीं देंगे ना, अगर ओरिजिनल होगा तो दे देंगे। तो नेहरा साहब ने कहा कि अभी मीटिंग खत्म होगी, सामने ही जो है पंचायत भवन के सामने फोटोकॉपी दुकान है, आपको जितनी चाहिए आप फोटोकॉपी करा लेना। तो दोस्तों फोटोकॉपी तो नहीं करवाई क्योंकि मुझे रियलाइज हो गया कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है। लेकिन उस दिन मैं जैसा मीटिंग में गया वैसा फिर मैं वापस नहीं लौटा, क्योंकि रात को जब मैं घर पे आया तो बड़ी अजीब सी कश्मकश मेरी स्टार्ट हो गई कि एक व्यक्ति छठी क्लास फेल क्वालिफिकेशन का 1.5 साल में इस बिजनेस में 25,000 रुपए महीना पे आ सकता है। तो उसके मुकाबले में मैंने अपने आप को रख के देखा कि तू पोस्ट ग्रेजुएट आदमी, तू इस आदमी के मुकाबले कितना भी बुरा करेगा,
देखिए हमारा दिमाग जो है ना हमेशा नेगेटिव पक्ष में सोचता है, अच्छा तो कभी नहीं सोचता कि भी इससे बढ़िया करेगा। मैंने सोचा कि इस आदमी के मुकाबले तो कितना भी बुरा करेगा, तो अगर 5 साल में भी 25,000 रुपये महीना पे आ गया तो भी तेरी जिंदगी बन जाएगी, क्योंकि नौकरी में 5 साल में भी 25,000 रुपये महीना पे पहुंचने वाला नहीं था। ये बात मेरे क्लियर हो गई, और उस दिन एक डिटर्मिनेशन मैंने अपने दिमाग में कि भाई अब कुछ भी हो जाए इस बिजनेस को सीखा जाए, इस बिजनेस को किया जाएगा, इस बिजनेस में समझा जाएगा कैसे क्या होता है। तो लगातार आरसीएम की मीटिंगों में जाना चालू किया, लगातार जो है हम लोग जयपुर तक जो है वो मीटिंग देखने चले जाते थे। कई बार बीसी सर की, कदम सर की जो है वहाँ बिरला ऑडिटोरियम के अंदर मीटिंग होती थी, हम लोग अंबाला से स्पेशल मीटिंग देखने जाते थे वहां पर लोगों को लेकर, क्योंकि हमारे एरिया में उस समय इतनी ज्यादा मीटिंग हुआ नहीं करती थी, यानी जहां भी नजदीक में मिलती 100-200 किलोमीटर में तो वहां पहुंचते। तो धीरे धीरे टीम जो है वो बिल्ड होनी शुरू हुई। 1500-2800 रुपए की पहली इनकम से मेरे आरसीएम के सफर की शुरुआत हुई। धीरे धीरे चेक का साइज बढ़ा बढ़ा, लगातार 6 महीने जब पार्ट टाइम मैंने बिल्ड किया बिजनेस को, तो 6 महीने में थोड़ा सा अपना रंग दिखाना बिजनेस ने चालू किया, और 5,000 से ज्यादा की इनकम मेरे घर पे आरसीएम से आनी चालू हुई। उसके बाद फिर सोचने पर मजबूर हुआ कि 5,000 रुपए की सैलरी मेरे घर में तब आ रही थी जब मैंने 17 साल पढ़ाई की, मास्टर ऑफ कॉमर्स की डिग्री ली, 4.5 साल से मैं कंटिन्यू प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहा हूँ, 21-22 साल की मेरी मेहनत के बाद मैं 5,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ। और आरसीएम ये कैसी चीज है, कैसी टेक्नोलॉजी है कि 6 महीने पार्ट टाइम में 1 घंटा आधा घंटा इस बिजनेस को देता हूँ तो 5,000 रुपये यहाँ से भी आने लगे। तो मैं सोचने में मजबूर हुआ, तो मैंने सोचा कि रिजाइन कर दिया जाए, नौकरी में कुछ ही रखा, अब करियर जो है डायरेक्ट सेलिंग में। तो दोस्तों मैंने रिजाइन कर दिया। एक बार मन डरा कि अगर आरसीएम आगे नहीं चला तो मेरे दिमाग ने जवाब दिया कि अगर नहीं चला तो कौन सा लाला जी की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, कोई 5,000 रुपये में नहीं रखेगा तो 4,000 रुपये में तो रख ही देगा, क्योंकि 4.5 साल ऑलरेडी मैं काम कर रहा था, काम कर चुका था उस समय। तो खुल के काम करना चालू किया दोस्तों, धीरे धीरे लीडरशिप आई, 25,000 कुछ रुपए का पे आउट बना। अब दिमाग धीरे धीरे खुलता आदमी का, जब 1500 का चेक आया था ना तो मैंने प्लानिंग की थी कि 1500 रुपये हर महीने कैसे आए, बस इतना ही हो जाए तो बहुत है भाई, 5,000 सैलरी होगी, 1500 ये है ना। जब लीडरशिप पे पहुंचा तो मतलब ये कुछ भी हो जाए, अब ये 25,000 रुपये ही मेंटेन रह जाए, इनकम बहुत है, अपन इसी में ही सेटिंग बैठ जाएगी अपनी बढ़िया, मतलब दिमाग धीरे धीरे खुलता। लेकिन ये नेटवर्क है दोस्तों, ये ट्रेडिशनल बिजनेस के बिल्कुल जो है अपोजिट चलता है। ट्रेडिशनल बिजनेस जब आपके हाथ से निकलता है तो आदमी बर्बाद हो जाता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बिजनेस आपके हाथ से निकला नहीं कि आदमी आबाद होना शुरू होता। नेक्स्ट मंथ जो है वो रॉयल्टी पे चला गया डायरेक्ट, 6% उस समय होती थी जिसे आज हम 8% रॉयल्टी कहते हैं। चेक आया सर नेक्स्ट मंथ उसका जो है 58,570 रुपये का, और 58,570 रुपये की बड़ी अच्छी अमाउंट मेरे घर पे आई, और कुछ पैसा मैंने बचा बजू के थोड़ा बहुत इकट्ठा कुट्ठा कर रखा था, कुछ पैसा मैंने फाइनेंस करवाया और एक कार खरीद ली अल्टो एसी, थोड़ा बहुत पैसा फाइनेंस करवाया उसमें लगभग 1.5 लाख रुपया। तो उस समय भी डर लगा था एक बार कि भाई किस्त नहीं गई तो मेरे दिमाग ने जवाब दे दिया कि भाई किस्त नहीं गई तो जिसकी है उठा ले जाएगा, पहले ही कौन सा हम गाड़ी में घूम रहे, तो लो और मेहनत करो इसके अंदर काम करो तो अपने आप काम बढ़ेगा। नेक्स्ट मंथ फिर रॉयल्टी का चेक 72,000 कुछ रुपए, नेक्स्ट मंथ फिर रॉयल्टी का चेक 86,000 कुछ रुपए, फिर पर्ल हो गए, फिर स्टार पर्ल हुए इस बिजनेस से, फिर इमराल्ड हुए, फिर स्टार इमराल्ड की क्वालिफिकेशन हुई, फिर रूबी की पिन अचीव हुई, और हाईएस्ट पे आउट जो है मेरा 1 महीने का आरसीएम बिजनेस से वो 3,70,000 रुपए का रहा है दोस्तों। कंटिन्यू 2-2.5 लाख रुपए की मेरी जो है हर महीने की इनकम आरसीएम बिजनेस से पर मंथ रहती है। जहां तक गाड़ी का आप अगर गाड़ी से बिजनेस समझ में आए तो अल्टो खरीदी, फिर उसके बाद आरसीएम की कमाई से टाटा सफारी खरीदी, फिर टाटा सफारी के बाद एक इंडिगो गाड़ी खरीदी, फिर इंडिगो गाड़ी के बाद फिर मैंने चौथी गाड़ी अर्टिगा खरीदी। अगर आपको घर से समझ में आए तो आज आरसीएम की वजह से शहर के सबसे पॉश और महंगे इलाके में 7 BHK का हाउस जो है वो आज आरसीएम की बदौलत मेरा है। जीवन में कभी भी गाड़ी मैंने ड्राइव करनी नहीं सीखी दोस्तों, आज तक जो है शुरू से जब मैं रॉयल्टी पे आया था तभी से ही ड्राइवर रखता हूँ। कई बार मेरा ड्राइवर मुझे कह देता कि सर थोड़ी बहुत तो सीख लो, थोड़ा बहुत आगे पीछे करना, मैं कहा भाई आगे पीछे करनी तो फिर तेरे को किस लिए रखा है ना, तो आगे पीछे अगर मेरे को करनी हुई। सो हम लोगों को अपने काम पर ही फोकस करना चाहिए दोस्तों। आरसीएम बिजनेस की वजह से 2 विदेश यात्राएं मेरी, मेरे को सिंगापुर भी घूम के आया हूँ दोस्तों आरसीएम की वजह से, और उसके बाद दुबई भी घूम के आया हूँ, यानी बहुत लाइफ जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है अपनी स्मूथ
लाइफ जो है आज की डेट में आरसी में जैसे चल रही है, और अगला साल जाते जाते 2024 जाते जाते इनकम को लेके एक बहुत बड़ा जो है वो एक सिस्टम खड़ा करने जा रहे हैं। पूरी की पूरी मेहनत 2023 में की जाएगी ताकि 2024 में हमेशा हमेशा के लिए बहुत बड़ी इनकम का जो है रास्ता जो है आरसी के माध्यम से खुल जाए। तो ये मेरी एक छोटी सी स्टोरी है दोस्तों, एक गांव से उठ के और गांव में ही मैक्सिमम पढ़ाई अप टू मैट्रिकुलेशन हुई, फिर हम शहर में जो है पढ़ने जाते थे और वापस आते। इस प्रकार की लाइफ से जो है हम लोग जो है इस बिजनेस के अंदर आए। सो कोई भी कर सकता है ये विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के हर आदमी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी। आप पढ़े लिखे हैं तो भी चलेगा, अनपढ़ हैं तो भी चलेगा, डीसी हैं तो भी चलेगा, एसपी हैं तो भी चलेगा, रिक्शा चलाते हैं तो भी आपका आरसीएन चलेगा अगर आप चलाना चाहोगे। यानी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी इंडियन। आरसीएन जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हर आदमी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी। वही अपॉर्चुनिटी वत्स साहब को मिली, वही अपॉर्चुनिटी कोठारी साहब को मिली, वही आईडी नंबर आपके पास है। आप भी चाहो तो उतनी बड़ी एम्पायर अपनी खड़ी कर सकते हो। मैं अपनी बातचीत और थोड़ी आगे बढ़ाता हूँ। इस बिजनेस के अंदर हम लोग जब आते हैं तो हमारा गोल क्या होता है ये बहुत मायने रखता है। जो आरसीएम बिजनेस के अंदर मैं अपना गोल लेके चलता हूँ और आपको भी लेके चलना चाहिए जो, तो वो होना चाहिए दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आर्थिक आजादी। लोग चेक और पैसे के हिसाब से जो है ना बिजनेस को नापने लग जाते हैं। आप चेक और पैसे के चक्कर में ना उलझ के हमेशा हमेशा के लिए अपनी आर्थिक आजादी को हासिल करें, उसका गोल बनाए, उसका टारगेट बनाए। आर्थिक आजादी तीन तरह की जो है चीजों से मिलके जो है बनती है। एक तो टाइम फ्रीडम, यानी समय की आजादी, आपके पास खुला समय हो, कोई आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी। दूसरा मनी फ्रीडम, आपको जो है पैसे के लिए जो है देखना ना पड़े बार बार। और तीसरा सिक्योरिटी, यानी पैसा बार बार आने की गारंटी। ये सारी चीजें हमें नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और आरसीएम बिजनेस के माध्यम से मिल सकती। हम लोग देखते हैं कि भाई रॉबर्ट कियोसाकी जी का जो है ना हर लीडर हमारे ईएसबीआई का कॉन्सेप्ट दिखाता है हम लोग को। तो ईएसबीआई के कॉन्सेप्ट के अंदर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जो लेफ्ट क्वाड्रेंट है, जो एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड का है उसको लेफ्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर का जो है उसको राइट क्वाड्रेंट कहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी साहब कहते हैं कि जो लेफ्ट क्वाड्रेंट में है वो 90% लोग हैं और राइट क्वाड्रेंट में 10% लोग हैं, पूरे वर्ल्ड के काम के आधार पर अगर बांटा जाए। और पैसा इसके उल्टा है, जो 10% लोग हैं उनके हाथ में पूरे वर्ल्ड का 90% पैसा है, और जो 90% पूरे वर्ल्ड के लोग हैं वो सिर्फ 10% पैसे की फाइट करते हैं। अगर आप उनको ध्यान से सुने और पढ़े या कभी ईएसबीआई कॉन्सेप्ट डालेंगे आप यूट्यूब पे तो ये चीज क्लियर होती जाएगी। तो रॉबर्ट कियोसाकी साहब कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको लेफ्ट क्वाड्रेंट से निकाल के राइट क्वाड्रेंट में ले जाने की ताकत रखती है। यानी इतनी बड़ी चीज हमारे हाथ के अंदर है, इतनी बड़ी चीज हमारे हाथ के अंदर है कि हम लोग जो है दुनिया के उन 10% लोगों में आ सकते हैं जिनके हाथों में 90% पैसा है पूरे वर्ल्ड का, अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। लोग इस बिजनेस में छोटी मोटी चीज समझ के ही आगे नहीं बढ़ पाते, वो समझ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में आना आसान और छोड़ के जाना उससे ज्यादा आसान। लगा ही क्या है, जब मर्जी किसी अपलाइन को बताने की जरूरत नहीं, आप घर पे बैठ जाओ, खिड़की बंद कर दो तो अपने आप ही बिजनेस से बाहर हो गए, क्योंकि लगा कुछ नहीं है, इसलिए आदमी इसको सीरियस नहीं ले रहता। सो एक जिस चीज को ये पूरी पूरी मतलब आने वाली पीढ़ियों का, सारी जनरेशन का आपका जो है सारा सिस्टम चेंज कर सकते। पैसिव इनकम के लिए इस काम को किया जाता है। पैसिव इनकम यानी काम किया एक बार और पैसा आए बार 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 लगातार। और डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम दे सकता है आपको आरसीएम। आज आरसीएम के पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि पैसिव इनकम के अंदर जो है जिनका बिजनेस जा चुका है उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो एक दिन भी वस्ता आज एक भी दिन काम ना करे तो उनकी इनकम में क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। अब इस चीज को समझे, क्योंकि वो पैसिव इनकम कोठारी साहब है, वत्स साहब है, राजाराम साहब जी है, या बहुत सारे लीडर हमारे ऐसे जो पैसिव इनकम ले रहे हैं, उस इनकम के लिए हम लोगों को काम। पूरे वर्ल्ड में मात्र 5% लोग ऐसे हैं जो पैसिव इनकम शब्द को समझते हैं। 95% पीपल दे डोंट नो व्हाट इज पैसिव इनकम। पैसिव इनकम होती क्या है, वो एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। काम किया तो पैसा आएगा, काम बंद तो पैसा आना बंद। तो कितनी बड़ी चीज है हमारे हाथ के अंदर।
ये बिजनेस आपको अर्ली रिटायरमेंट दे सकता है। आप 3 से 5 साल मेहनत करके एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर लीजिए। देखिए, परमात्मा ने हमें जो जीवन दिया है ना, हमारे हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि 84 लाख योनियों के बाद जो है इंसान का जीवन मिलता है। अगर वही जीवन मिला हुआ भी हम लोग पैसों के लिए इधर उधर भटकने में निकाल देंगे, धक्के खाने में निकाल देंगे, तो फिर जीवन के अंदर हम लोग पाएंगे क्या? मतलब इसी काम में ही रह जाएंगे फिर। ये बिजनेस आपको अर्ली रिटायरमेंट दे सकता है। ये बिजनेस इस देश की तमाम समस्याओं को खत्म कर सकता है। हमारे देश की करंट समस्याएं देखिए आप, सबसे बड़ी समस्या आज जो मुंबई खड़ी है हमारे देश में, वो है बेरोजगारी। हमारे देश में चपरासी की पोस्ट निकलती है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अप्लाई करता है। आप देखिए क्या हो रहा है अपने देश के अंदर, मतलब बेरोजगारी को लेकर कितना बड़ा चैलेंज है आज की डेट। तो सरकार के पास भी ऑप्शन नहीं है, किस किस को रोजगार दे देगी, किस किस को सरकारी नौकरी दे देगी। आदमी को कहीं ना कहीं तो कोई वो चाहिए ना। दूसरी चीज, हमारे हमारे जो बिजनेस की जो सबसे बड़ी आज हमारे देश की जो समस्या है, उस जनसंख्या को लेकर है। आज हम लोग लगभग लगभग पूरा इंडिया जो है ना, वर्ल्ड में नंबर 1 की पोजीशन पे आ चुका है किस्म से, मतलब कुछ कसर नहीं बची है आने में। इतनी पॉपुलेशन है हमारे देश की, और पॉपुलेशन बढ़ने से रुक सकती है क्या? इस देश के अंदर ना बेरोजगारी बढ़ने से रुक सकती, ना पॉपुलेशन किसी के कहने से रुक सकती, ना महंगाई रोके रुक सकती, और ना किसी के कहने से आरसीएम बिजनेस रोके रुक सकता। इन चारों चीजों की नेचर है कि इनको बढ़ना ही बढ़ना है। इस देश में बेरोजगारी भी बढ़ेगी, जनसंख्या भी बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी, और आरसीएम बिजनेस भी अपनी नेचर के अनुसार बढ़ेगा। इस चीज को हमें समझना बड़ा जरूरी है दोस्तों। अभी WFDSA की रिपोर्ट की चर्चा करें या फिर इस बिजनेस की ताकत की चर्चा करें, पहले ये बिजनेस आपको हिंदुस्तान के 1% लोगों में लेके आने की ताकत रखता है। 1% लोगों में, इंडिया में 85% पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी इनकम 15,000 रुपये महीना से कम है। अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो हिंदुस्तान में, तो आप 3 से 4% लोगों में गिनती हो जाती है आपकी। और अगर आप 7 लाख रुपए महीना की अर्निंग कर लेते हो हिंदुस्तान में, तो आपका नाम इंडिया के 1% लोगों में आ जाता है। और 1% लोगों में आने का मतलब समझिए कि हिंदुस्तान में जो 40% प्रॉपर्टी है वो 1% लोगों के पास है। यानी आपका शुमार उस लिस्ट में हो सकता है। ये ताकत इस बिजनेस के अंदर है, अगर इसको थोड़ा सा सीरियसली लिया जाए लाइफ के। हम लोग दुनिया भर के कामों में सीरियस रहते हैं, पता नहीं अपने यहाँ आके क्यों समझते हैं कि भाई बिना काम करे काम चल। यहाँ हम अगर उसी शिद्दत से काम करेंगे जितना हम लोग बाकी जगह काम करते हैं, तो नेचुरली हमारे पास रिजल्ट भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो WFDSA की एक रिपोर्ट, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग जो है, एसोसिएशन एक संस्था है पूरे वर्ल्ड वाइड की डायरेक्ट सेलिंग को देखती, जो उसकी जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार हम लोग पूरे वर्ल्ड में आज 12वें नंबर पे आ चुके हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड जो हमारे इंडिया की रैंकिंग है डायरेक्ट सेलिंग में, वो 12वें प्लेस पे हम लोग ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अभी तो इंडियन आदमी कहता है कि हमें तो समझ ही नहीं आया कि कर क्या रहे। आप सोचिए, जब समझ में आया तो क्या होगा? जब समझ में नहीं आया तो हम 12वें नंबर पे हैं। और आप आज से 5-7 साल पहले इंडिया की जो है वो हिस्ट्री उठा के देख लीजिए WFDSA की। 5-7 साल पहले हमारा नाम टॉप 20 में भी शामिल नहीं होता था। पिछले 5-6 साल में इतनी तगड़ी ग्रोथ हुई है डायरेक्ट सेलिंग की हिंदुस्तान में, इतनी तेजी से व्यवसाय बढ़ा है कि हम लोग जो टॉप 20 में नहीं थे वो 12वें नंबर पे आ चुके हैं पिछले 5-6 साल। कितनी तेजी से बढ़ रहा है हिंदुस्तान में, वो कहते हैं ना फोग चल रहा है। भैया फोग नहीं चल रहा, चल तो डायरेक्ट सेलिंग ही रही है। हिंदुस्तान में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर कोई इंडस्ट्री है, वो आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग है। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट WFDSA कहती है कि 27,650 करोड़ का जो है ना ऑफिशियल एनुअल जो है वो सेल डिक्लेयर हुई है ऑफिशियल 1 साल। और CAGR क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट 15.7%, यानी एक एवरेज निकाली जाती है 3-4 साल की, उसको डिवाइड करके उसको CAGR बोल देते हैं, क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट। 15.7% की दर से एनुअली जो है ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में एवरेज बढ़ रहा है। और आरसीएम की जो ग्रोथ रेट है दैट इज अप्रोक्सीमेट डबल टू इंडियन ग्रोथ रेट। यानी हिंदुस्तान में जो डायरेक्ट सेलिंग जिस गति से बढ़ रही है, आरसीएम लगभग उससे डबल गति से बढ़ रहा है।
आपको गर्व होना चाहिए कि आप किस प्लेटफॉर्म के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। ये आरसीएम है भैया, कुछ छोटी मोटी चीज आपके हाथ नहीं लगी, बहुत बड़ी चीज आपके हाथ में है। अगर समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं समझेंगे तो जैसे हैं वैसे तो हम पहले हैं ही, वो लाइफ तो हमारी चली रही है। अगर समझ जाएंगे तो लाइफ के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। पूरे वर्ल्ड के जो आंकड़े कहते हैं, अभी जो WWDC की लेटेस्ट रिपोर्ट आई कि पूरे विश्व में जो कारोबार होता है डायरेक्ट सेलिंग का, उसका 35% जो है वो हिस्सा वेलनेस से आता है, यानी हेल्थ प्रोडक्ट से आता है। उसका जो टोटल ग्लोबल सेल्स है डायरेक्ट सेलिंग की, 35% जो है उसमें वेलनेस का शेयर है। और हम लोग ऑलरेडी वेलनेस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। न्यूट्रिशन के अंदर हम बात करें तो न्यूट्रीचार्ज की बहुत बड़ी श्रृंखला हमारे पास है। जब पूरे वर्ल्ड में 35% व्यवसाय न्यूट्रिशन से हो रहा है, तो हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज के ऑलरेडी है, गामा ओरिजिनल ऑलरेडी है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आरसीएम का तो हर प्रोडक्ट वो वेलनेस ही है। क्योंकि एक बार हम लोग टीसी सर के पास ऑफिस में बैठे थे, तो टीसी सर ने बताया कि जब भी किसी प्रोडक्ट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो मैं उसको मार्जिन वाइज नहीं देखता, मैं उससे एक ही बात कहता हूँ कि मुझे ये समझाओ कि ये लोगों की हेल्थ में क्या काम करे। अगर मुझे वो बात समझ में आती है तभी मैं आरसीएम में वो इंट्रोड्यूस आगे जो है करता हूँ प्रोडक्ट। तो हमारे पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, यानी हम लोग एक बड़ी राइट डायरेक्शन के अंदर जो है जा रहे हैं। और दूसरी जो चीज है कि ये रिपोर्ट कहती है कि जो वेलनेस के बाद दूसरा नंबर है वो है कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर सेगमेंट का, जो टोटल वर्ल्ड में टोटल ग्लोबल सेल्स का 25% शेयर है। और हमारे पास जो है वो की सोल ब्रांड ऐसा आया जो इस 25% शेयर पे बहुत बड़ा काम कर सकता है। हम लोग ऑलरेडी, हमारे पास जो क्वालिटी आ चुकी है इस सेगमेंट में वो बहुत शानदार आ चुकी है कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर में। तो ये पूरे पूरी जो डायरेक्शन जा रही है ना सर, इसको थोड़ा सा समझिए, ये बिल्कुल राइट दिशा के अंदर जो है टीसी सर ने जो है जो चीजें पकड़ रखी हैं, ये बिल्कुल आपको नंबर वन बनाने के लिए जो है वो सारा काम हो रहा है इस इंडस्ट्री में। अभी सरकार की बात करें या अपने माहौल की आसपास की बात करें, इतनी तेजी से माहौल बदल रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में MBA के सिलेबस में हम लोग डायरेक्ट सेलिंग पढ़ना चालू कर चुके हैं साहब। लखनऊ यूनिवर्सिटी के MBA के सिलेबस में जो है हम लोग चालू कर चुके हैं सर डायरेक्ट सेलिंग पढ़ना। और शुनी यूनिवर्सिटी ने तो PG डिप्लोमा स्टार्ट कर दिया, उसका बैच पास होके बाहर निकल आया है ना। और उसके अलावा अभी कल परसों में एक वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं पूरे सारे सभी ग्रुपों के अंदर, अपने यहाँ लीडर्स के पास भी जा रहा होगा, जिसमें जो है डायरेक्ट सेलिंग पे जो है वो PhD हासिल हुई है अभी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक व्यक्ति को। तो अभी भी अगर हम लोग कहें कि भाई समझ में नहीं आ रहा, तो फिर तो कोई परमात्मा की कोई ऊपर से ही कोई इशारा है कि अभी इसके समझ में ना आए। और हर चीज समझाने वाला तो समझाने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ एफर्ट अपना भी लगना चाहिए समझने का। वो एफर्ट आपका लगेगा कि क्या चीज हो रही है, हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, हमारी आंखों के सामने लोग इतिहास बना रहे हैं इस इंडस्ट्री में। 7 लाख कमाने वाला इस इंडस्ट्री में 1% लोगों में आ जाता है हिंदुस्तान में। आरसीएम में बात करूं, कोठारी साहब, राजा राम सारण साहब, वत्स साहब, कितने लोगों की बात करूं मैं जो 1% के अंदर जा चुके हैं। ये इंडस्ट्री ऑलरेडी इंडिया में 1 करोड़ रुपए मंथली इनकम देने वाली बन चुकी है। 1 करोड़ से ज्यादा के टेक लोगों के बनने चालू हो गए। ये चीजें हमारे सामने हो रही है सर, फिर भी हम कहेंगे हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दे दी, गवर्नमेंट एक्ट बनाने की तैयारी में लगी हुई है। फिक्की की रिपोर्ट कह रही है कि आपका 65,000 करोड़ का एनुअल व्यवसाय हो जाएगा 2025 तक। फिक्की की रिपोर्ट कहती है कि 1,80,00,000 से ज्यादा लोग 2025 तक अपना घर यानी रोजगार का साधन जो है वो डायरेक्ट सेलिंग को चुनने वाले हैं, जिसमें से करीबन 60% रोल जो है वो महिलाओं का रहने वाला है। गोल्डन पीरियड, राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी। अब ये राइट पर्सन वाला मामला तो आपके हाथ में है कि राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी, आप राइट पर्सन है कि नहीं, अब बात तो ये हो। अगर हम राइट पर्सन है तो हम राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेंगे सही तरीके से। अभी यही काम है, ये 3 से 5 साल बड़े क्रूशियल है इस इंडस्ट्री के। जो लोग इन 3 से 5 सालों की मेहनत जबरदस्त तरीके से कर जाएंगे, वो पूरे के पूरे आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बना जाएंगे। ये एक बदलाव है, इसको आप रोक नहीं सकते। चेंज इन द सिस्टम, चेंज इन द ट्रेंड। और BC सर एक चीज कहा करते हैं
कि ट्रेन जो ट्रेंड का फ्रेंड बन जाता है वो बहुत बड़ा लाभ उठाता है। एक उदाहरण हम लोग सारे नेटवर्क कर देते हैं अपने मीटिंगों में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, कि नोकिया ने समय पे एंड्रॉइड के बदलाव को नहीं समझा तो मार्केट से बाहर होते देर नहीं लगी। हम लोग ये उदाहरण देते हैं कि HMT जैसी घड़ियां जो है समय पे अपने बदलाव को नहीं कर पाई तो सिस्टम से बाहर होगी। एम्बेसडर कार जो ब्रांड जो है पूरे इंडिया में नंबर 1 VIP ब्रांड था वो सिस्टम से बाहर हो गया। आज कौन पूछता है एम्बेसडर, क्योंकि समय के साथ नहीं बदले। तो समय के साथ बदलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट टाइम राइट अपॉर्चुनिटी विद राइट पर्सन काम करेगी सर। ये तो RCM में समझाने के लिए है ही क्या। आदमी सामान खरीदे खाए, RCM से नहीं खरीद रहा तो लाला जी की दुकान से तो खरीद ही रहा है। वो पैसे यहाँ नहीं करता तो वहां तो खर्चे गए, अपने यहाँ खर्चेगा तो बाजार से सस्ता मिलेगा। अब ये बात समझाने के लिए भी देखिए मीटिंग करनी पड़ती है कि अपने यहाँ खाली आदमी खरीद के खाए तो बचत बचत से लाखों रुपए बचा जाता है पूरे जीवन में, फिर भी आदमी कहता है जी मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखिए मतलब कमाल की चीज है, मतलब सस्ता मिलना मार्केट से, खाली खरीदारी दुकान बदलने से एक आदमी के घर में लाखों रुपए की सेविंग पूरी लाइफ में हो सकती है। ओरिजिनल प्रोडक्ट घर पे आ सकता है, लोगों की खरीदारी से उसके घर में इनकम आ सकती है, फिर भी आदमी कहता जी मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो हमारी सबकी भलाई भी इसी में है कि सबको एक साथ समझ में ना आए। ये तो समझने वाली तो कुछ बात है ही नहीं। शीश पंडित जी ने अपने एक कैसेट के अंदर एक बात कही कि दो दोस्त थे। पहले दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा कि अगर तू ये बता दे कि इस थैले में क्या है तो सारे के सारे केले तेरे, और अगर तू ये बता दे कि कितने हैं तो 12 के 12 तेरे। अब जिस दोस्त से ये जो है सवाल पूछा उसने बड़ी जो है पूरा दिमाग लगाया और पूरे सोचने के बाद पूरी टेंशन में आ गया, और फिर पहले दोस्त से पूछता है कि यार कोई हिंट दे कोई निशानी दास, मतलब भाई इसमें भी निशानी ढूंढ रहे हैं लोग, है ना। ये इतनी सिंपल चीज है हमारे पास आज की डेट में। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के थ्रू ये सारा सिस्टम है ऑलरेडी। गाइडलाइन आने के बाद करीबन 425 कंपनियां जो है वो करीबन 425 कुछ घटती बढ़ती रहती है, कभी घट भी जाती है कभी बढ़ भी जाती है उस लिस्ट में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर की साइट में, जिसमें से RCM भी एक कंपनी है हमारी जो गवर्नमेंट से ऑथोराइज है ना। अब 425 कंपनी है, सवाल ये उठता है कि जब 425 कंपनी है तो फिर RCM के अलावा दूसरी कंपनी क्यों ना करी जाए, फिर इसको क्यों किया जाए। भाई RCM इस चीज को भी समझना बड़ा जरूरी है। सबसे पहली चीज, आप किसी भी कंपनी से कंपैरिजन करोगे ना RCM का, तो आप मैं कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं, कभी भी आपकी वो चीजें फेल नहीं होंगी। दुनिया के किसी नेटवर्कर को आप बिठा लेना, सबसे पहली चीज कंपनी। हिंदुस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर की साइट पे जो 425 कंपनियां हैं या 420 कंपनियां हैं या 450 कंपनियां होगी होंगी, उन सब कंपनियों के हेड ऑफिस को टोटल मिला लिया जाए तो भी RCM का इकलौता हेड ऑफिस उन सबसे बड़ा बनता है। देखिए बात समझ में आ रही सर जी, मतलब आप 425 कंपनियों के हेड ऑफिस को जोड़ दो तो भी अपने हेड ऑफिस से छोटा, RCM वर्ल्ड से छोटा। मतलब जितने डिस्ट्रीब्यूटर आज हमारे पास हैं पूरे वर्ल्ड में, आज तक MLM इंडस्ट्री में इतने डिस्ट्रीब्यूटर आज तक किसी कंपनी के पास हुए ही नहीं। जो डिलीवरी सिस्टम RCM के पास है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डिलीवरी सिस्टम आज RCM के पास है। लोग कई बार पूछते हैं ना कि वही RCM कर रहे हो क्या बेटा, हमें तो RCM ही पार कर देगी, तो अपना सोच क्या कर, क्योंकि तू नहीं करेगा तो तेरे बच्चों को आना पड़ेगा इसमें, और तेरे बच्चे नहीं आए तो उससे अगली जनरेशन तो करेगी करेगी, उससे बच के कहां जाओ। जब आने वाली पीढ़ियों ने कर रही है तो फिर हम ही से शुरुआत क्यों ना हो जाए। ये वही RCM है जो आपकी आने वाली पीढ़ियों में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। दूसरी जो चीज है, इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स RCM के जो प्रोडक्ट हैं वो इंडियन रेट इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी के प्रोडक्ट हैं। इंडियन रेट और इंडियन कल्चर, देखिए भारतीय ग्राहक जो है ना ये बड़ा मतलब जो है बहुत माइंडेड आदमी होता है ना। ये छोटी छोटी चीज के लिए मतलब 10 रुपए किलो आलू एक रेडी वाला बेच रहा है तो 9 रुपए की आवाज आ गई तो 9 रुपए वाले के पास जाएगा, भले ही लाखों रुपए कमाता हो, सेविंग में भी इंटरेस्ट रखता है। ये घर से खरीदने जाएगा टूथब्रश मार्केट में,
लेकिन टूथब्रश खरीदते हुए ये चेक करेगा कि उसके पीछे होल बना हुआ है कि नहीं बना। वो होल किस लिए चेक करता है इंडियन कस्टमर, कि जब भी टूथब्रश खराब हो जाएगी तो इसको नाले नाले पानी जो है यूज करते हैं ना हम घरों में नाले डालने के लिए पजामों में और उसमें, है ना, नाले पानी की तरफ यूज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी उसके बाद मतलब खराब होने। इंडियन कस्टमर का हाल ऐसा, तीन तरह के जो है कस्टमर बताए जाते हैं मतलब इस बात को समझने के लिए कि एक अमेरिकन मार्केट का कस्टमर होता है वो कहता है जी हाई क्वालिटी हाई प्रोडक्ट चाहिए, हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए और जितनी मर्जी प्राइस हाई हो कोई मैटर नहीं। दूसरी तरफ होता है चाइनीज बाजार का कस्टमर, वो कहता है जी लो प्राइस चाहिए भले ही लो क्वालिटी हो। लेकिन तीसरा है इंडियन मार्केट का कस्टमर, वो कहता है जी क्वालिटी तो चाहिए हाई अमेरिका वाली पर प्राइस देऊंगा लो चाइना वाली। बात समझ रहे सर? तो ये हिंदुस्तान के कल्चर को सूट करते हैं आज के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स विद लो प्राइस, लो प्राइस। आप चेक करके देखो बाकी सारी एमएनएम को, आपको समझ में आ जाएगा प्रोडक्टों को सामने रख के। कई कंपनियां हैं इस इंडस्ट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर की साइट पे हैं जिनको लीगली अप्रूव मानते हैं, उनकी टूथपेस्ट 450-500 रुपए की। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसी कैसी कंपनियां भी चलती हैं इस देश में। आज से हम आपके हाथ लगी, परमात्मा की कृपा से लगी है। तीसरी चीज जो है, कभी भी आप कंपेयर करें क्वालिटी और रेट को, जिसमें मैं बात करता हूँ क्वालिटी को लेके हमारे यहाँ जबरदस्त, हमारी जो है ना आज की डेट में क्वालिटी को लेके बड़ा जबरदस्त सिस्टम है। आरसीएम के प्रोडक्शन क्वालिटी जो है मतलब दुनिया मांग के लेती है आज की डेट में। अब आरसीएम ये पहले वाला आरसीएम नहीं रहा जो शुरुआत थी, कई लोग इसको पुराने चश्मे से देखते जब शुरू हुई थी कंपनी तब से, और मैं तो जो है जमीन आसमान का फर्क है आज की क्वालिटी। आप पैकेजिंग देखिए, आप क्वालिटी देखिए प्रोडक्ट की, आप रिजल्ट्स देखिए प्रोडक्ट के, आपको समझ में आ जाएगी क्या चीज है अपने हाथ में। चौथी चीज ज्वाइनिंग अमाउंट, ज्वाइनिंग अमाउंट में लगता क्या है, 2000 रुपए का सामान खरीदा यहाँ से नहीं खरीदोगे तो लाला जी के यहाँ से खरीदोगे, खरीदना तो पड़ेगा ही ना। पांचवी चीज है पे आउट्स, कभी किसी आदमी को अपनी इनकम के लिए कभी किसी की सिफारिश या अपलाइन की फोन की जरूरत नहीं पड़ती होगी, इतनी क्रेडिबिलिटी है कंपनी की। 10 साल पहले जो पिकअप सेंटर बंद हुआ उस फॉर्म भर के देता है, अपने डॉक्यूमेंट पूरे करके देता है, 15 दिनों के अंदर उसके अकाउंट में सिक्योरिटी रिफंड का पैसा पहुंच जाता है। आज भी आपको किसी फोन करने की जरूरत नहीं अगर आपके डॉक्यूमेंट सही पहुंचे हो, इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी। एक आदमी 15 साल पहले जुड़ा था, वो कहता जी मेरे खाते में कुछ पैसे पड़े थे, कंपनी आज भी उसका पैसा लौटा रही है, इससे ज्यादा ईमानदारी क्या चाहते हैं। क्रेडिबिलिटी देखिए आप पे आउट को। और छठी जो चीज है गवर्नमेंट की एमएलएम की गाइडलाइन, जब बाकी कंपनियां तो हम भी तो गाइडलाइन के अंदर हम कोई बाहर थोड़ी। और सातवीं जो हमारे पास चीज है वो हिंदुस्तान की किसी कंपनी के पास नहीं, वो सातवीं चीज है दोस्तों हमारे पास आदरणीय टीसी सर जैसे विजनरी फाउंडर हैं जो वाकई में ही चाहते हैं कि इस देश के लोगों को तरक्की मिले, वो दिन रात लगे हुए हैं। चीजें समझ नहीं पड़ेंगी सर, आप हिंदुस्तान की किसी कंपनी को इन चीजों पे पैरामीटर पे आप रख के देख लीजिए, आपको अपने सामने कोई कंपनी मिलने वाली नहीं है सर, आरसीएम के मुकाबले में खड़ी होने वाली नहीं है, आरसीएम के नाम के आगे कोई कंपनी खड़ी नहीं हो सकती आज की डेट में, ये पोजीशन है। लोग कहते हैं कि भाई वही आरसीएम, हाँ वही आरसीएम है भाई, तो आगे आगे देख होता है क्या, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, एक गाना चलता हमारे यहाँ कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो शुरुआत हुई, समझे आपकी क्या होने जा रहा है। एक डायमंड है दोस्तों आपके हाथ, एक हीरा है डायमंड, और हीरे की वैल्यू को समझोगे तभी हीरा आपके लिए काम करेगा। एक आदमी को जो है ना, एक गधे चलाने वाला आदमी था, उसको एक हीरा मिल गया, तो उसने देखा कि कोई चमकीला पत्थर है, उसने क्या किया कि रस्सी से बांधा और गधे के गले में डाल दिया। वो लेके उस गधे को जा रहा था, उसके गधे गधे के गले में वो हीरा जो है रस्सी में लटका हुआ। एक आदमी सामने से मिल गया, वो आदमी जानता था, उसको हीरे की पहचान थी कि ये हीरा है। उसने कहा भाई ये क्या है, बोला एक पत्थर था कि जो है चमकीला, तो मैंने गधे के गले में लटका दिया। बोला बेचोगे क्या, बोला जी बेच दूंगा। बोला कितने पैसे लोगे, बोला जी 1500 रुपए। उसने कहा जी 1500 रुपए, गधे वाले ने कहा। बोला 1500 तो नहीं, मैं तो 1000 रुपए दूंगा। बोले 1000 में नहीं दूंगा, 1500 देने हैं तो दे। इतनी बात कहकर वो आदमी गधा लेके आगे चला गया दूसरी गली के अंदर। और थोड़ी देर में वही आदमी उस गधे को लेकर वापिस उस गली में आया, तो उस समय उसके गधे के गले में वो हीरा नहीं था। उसने उस गधे वाले से पूछा कि भाई वो पत्थर कहाँ है। बोले जी बेच दिया। बोले कितने में, बोले 1500 रुपए में।
बोला तू तो बड़ा मूर्ख आदमी है, तेरे को पता था वो हीरा है, करोड़ों रुपए का था। बोले मैं तो मूर्ख हूं ही हूं, मेरे को तो पता नहीं था ये क्या चीज थी, तेरे को तो पता था तब भी तू 1500 रुपए देने के लिए मना कर गया था उसके कि वो करोड़ों की चीज। मेरी बात समझ पा रहे हैं सर? आरसीएम इज अ डायमंड इन योर हैंड्स, ये आपको रियल डायमंड बना सकता है सर, इतनी पावर है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। प्रोडक्ट आपको नहीं बनाने, कंपनी ने बनाने, इनकम डिस्ट्रीब्यूटरों को आपने नहीं देनी, क्वालिटी की आपकी कोई टेंशन नहीं, टीडीएस जीएसटी का आपका कोई मैटर नहीं, बिजली के बिल आपने नहीं देने, कर्मचारियों को जो है पैसा आपने नहीं देना, पिकअप सेंटर वाले को आपने नहीं देना, तो करना क्या है? आप सारे सिस्टम देखो, टीडीएस किसने काटना, कंपनी ने, सरकार के पास किसने जमा कराना, कंपनी ने, फिर अपने पास काम ही क्या बचता है? आप थोड़ा सा सारे सिस्टम को ध्यान से जज करें तो सारा मैक्सिमम काम कंपनी कर रही है और लोगों को लगता है कि भी हम कर रहे हैं। अभी कोई बिजनेस भाई परचेज वॉल्यूम फाइनल करने के लिए कभी कंपनी ने आपसे पूछा हो, आपकी राय ली हो? नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। आपके डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन कंपनी भेज रही है, टीडीएस उसका काट, अपने यहाँ काम ही क्या है सर? हमारे पास एक काम बचता है ले दे के प्रमोशन का, वो भी हम सही तरीके से करते नहीं, हमें प्रमोशन करने में भी शर्म आती है। यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट, है ना, यही तो अपना काम है बेसिक। बाकी काम तो सारा का सारा कंपनी कर रही है। हिंदुस्तान में पैसा कमाने के चार जरिए हैं साहब, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। हिंदुस्तानी लोग चार तरीकों से पैसा कमाते हैं। सबसे पहला काम करते हैं हिंदुस्तानी लोग खेती का काम। हिंदुस्तान में 70% जनता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खेती से जुड़ी है, एग्रीकल्चर से जुड़ी है। आप और मैं सारे भले ही आज शहरों में होंगे, लेकिन 10-15-20 साल का आप अपना इतिहास उठाओगे तो किसी किसी गांव से ही होंगे और किसी से छोटे मोटे जमीन के टुकड़े से जुड़े हुए होंगे। 70% जनता एसोसिएट है सर, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर से। लेकिन अपनी ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के पूछे कि क्या इस 70% जनता का आज तक तो कोई कल्याण कर पाया क्या? कितनी सरकारें आई, आगे भी आती रहेंगी, इस 70% जनता के लिए कुछ नहीं होगा। इस देश में जब आत्महत्या करने की बारी आएगी तो कोई मंत्री नहीं करेगा, किसान ही करेगा। 70% पॉपुलेशन जो है उस काम को करती है जहां पे कोई भी फ्यूचर नहीं है। अब किसान ने अपने बच्चों को पढ़ा दिया, लिखा दिया, मिट्टी के साथ मिट्टी होकर उनको खड़ा कर दिया, लेकिन उनके लिए भी आगे रास्ते बंद है। और जमीन के साथ एक प्रॉब्लम क्या है, अगली पीढ़ी में जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। एक आदमी के पास 5 एकड़ जमीन है, 2 बच्चों में ढाई ढाई रहेगी, उससे अगली जनरेशन आएगी तो वो सवा सवा डे बाई डे घटती चली जा रही। खेती से पैदा होने वाली इनकम डे बाई डे कम होती जा रही। 70% जनता धीरे धीरे आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करती नजर आएगी, क्योंकि तो अपने यहाँ क्वालिफिकेशन का कोई मतलब ही नहीं है। ये डिस्प्ले वाल जो आई है ना, ये धीरे धीरे 70% जनता को लेकर आएगी, क्योंकि 7 लाख गांव में हिंदुस्तान के डिस्प्ले वाल के माध्यम से आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस कर सकता है। दूसरी जो चीज, नौकरी करते हैं लोग हिंदुस्तान में, सरकारी नौकरियां रही नहीं, मिलती हैं तो पेंशन खत्म हो गई, है ना। एक आदमी जब रिटायर होके आएगा या तो उसकी इनकम जीरो हो जाएगी, अब या पेंशन आएगा तो जब महंगाई बढ़ जाएगी तो इनकम आधी हो जाएगी। नौकरी सरकारी उसी को अट्रैक्ट करती है जिसको मिली नहीं। मेरी थोड़ी सी बात को समझना, जो चीज मिलती नहीं ना आदमी, उसके लिए जो है बड़ा व्याकुल रहता है। सरकारी नौकरी जो है वो इसी को अट्रैक्ट करती है जिसको मिली नहीं। कोई भी आदमी जो रिटायर्ड है, अपनी पूरी जिंदगी लगा के सरकारी नौकरी में आके बैठा है, अगर रिटायरमेंट के बाद, माफ करना मैं, मेरे पिताजी भी सरकारी नौकर थे, मैं किसी भावनाओं को आहत नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई यही है, मेरे पिताजी भी, हम लोग भी सरकारी नौकरी से ही पढ़े लिखे, हमारा घर परिवार सरकारी नौकरी से ही चला। लेकिन हकीकत यही है कि सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट के टाइम पे एक मकान और 2 से 3 बच्चों की शादी, आदमी जहां से चला था वहीं खड़ा हो जाता है आगे। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे सर, मतलब जहां से चला वहीं खड़ा हो गया, एक मकान और 2 से 3 बच्चों की शादी, पूरी जिंदगी लग गई सर, पूरी पूरी लाइफ चली गई। और प्राइवेट नौकरी तो इतना बुरा हाल है साहब कि वो कहते हैं ना, कभी आपने गन्ने की मशीन पे जूस निकलते देखा हो गन्ने का, तो आपको समझ में आ जाएगा
गन्ने वाला क्या करता है, एक गन्ना डालता है उसका जूस निकलता है, फिर दूसरी साइड से उसको पकड़ता है, फिर डबल करता है, फिर डालता है, फिर जूस निकलता है, फिर डबल करता है, फिर नींबू और पुदीना लगा के तीसरी चौथी बार फिर डाल देता है ताकि जो बचा खुचा है वो भी निकल आए। इसका नाम है प्राइवेट नौकरी। प्राइवेट नौकरी आज की डेट में गन्ने की तरह निचोड़ दिए जाते हैं लोग। एक व्यक्ति मेरी मीटिंग में आया हुआ था तो वहां मेरे बातचीत होने लगी उस व्यक्ति से। मैं क्या करते हो, बोले सर प्राइवेट नौकरी करता हूँ। मैं कितने साल हो गए, बोले 13-14 साल हो गए। मेरी सैलरी कितनी मिलती है, बोले जी 12,000। मैंने कहा यार 12,000 रुपये में आज की डेट में आपका गुजारा चलता कैसे है भाई, बड़ी टफ है। और घर छोड़ के 1,000 किलोमीटर पे वो आदमी आया वो नौकरी करता। मैंने कहा अगर आप 14-15 साल हो गए आपको तो आप अपने मालिक से बात कीजिए कि वो आपकी सैलरी बढ़ाए। उस आदमी ने जो जवाब दिया ना साहब, पूरी पूरी मेरे जीवन की आंखें खोल के चला गया। वो आदमी कहता है कि मैं अगर अपने मालिक से सैलरी बढ़ाने की बात करता हूँ तो मेरी जगह पे 6,000 रुपये महीना में काम करने वाला गेट पर खड़ा है। आप समझिए अपने देश की सिचुएशन क्या है। और आशिया में 12-14 हजार कमाने, अपने घर में आदमी बैठ के 10-15 कस्टमर बना ले रिटेल के, तो 12-14 हजार वैसे ही बन जाए। फिर भी आदमी कहता है आरसीएम नहीं समझूंगा, दुनिया का सब काम कर लूंगा मैं आरसीएम नहीं समझूंगा। यह प्राइवेट नौकरी दोस्तों आज की डेट में पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग। और नौकरी तो हमेशा एक कहते हैं नौकर शब्द जुड़ा हुआ है साहब। नौकरी में तो एक ही चीज कहते हैं, मान लीजिए सबसे बड़ी नौकरी किसकी है हिंदुस्तान में, आईएएस की है साहब। और आईएएस की सबसे बड़ी जो है प्रमोशन पोस्ट क्या है, कैबिनेट सेक्रेटरी की है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी की जो इनकम है वो लगभग 2.5 लाख रुपए जो है होती है अप्रोक्सीमेट, जहां तक मुझे जानकारी। तो आरसीएम में तो बहुत सारे कैबिनेट सेक्रेटरी की इनकम ले रहे थे। ये आईएएस बन सकते थे, बन सकते थे, लेकिन टीसी छाबड़ा साहब की व्यवस्था ने इनको कैबिनेट सेक्रेटरी, पता नहीं वो आठ वो भी बस साहब की बात करूँ तो 5,500 आईएएस की सैलरी जा रही है सर। अब इस चीज को समझिए थोड़ा सा क्या मैटर है नौकरी। और तीसरी चीज है व्यापार। हिंदुस्तानी आदमी व्यापार करता है बाहर, ट्रेडिशनल मार्केट में हम देखते हैं व्यापार में लगती है पूंजी। पूंजी लगाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि व्यवसाय चलेगा ही चलेगा। आदमी सारी जिंदगी शटर ऊपर शटर नीचे, शटर ऊपर शटर नीचे, शटर ऊपर तो पैसा आएगा, शटर नीचे तो पैसा आना बंद। एक आदमी 20 साल से अपना व्यवसाय चला रहा है, अगर 1 घंटे के लिए भी शटर नीचे करता है तो इनकम आनी जीरो हो जाती है। और नेटवर्क मार्केटिंग में तो हमारे शटर कहाँ है हमें आज तक नहीं पता लगा, हमारी दुकानें कब खुलती है हमें आज तक नहीं पता साहब। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। एक केमिस्ट शॉप का एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा ये मामला व्यवसाय। केमिस्ट शॉप, मैं उस केमिस्ट शॉप की बात कर रहा हूँ जो आपके घर के पास है। हाँ, आपके घर के पास वाली केमिस्ट शॉप की मैं बात कर रहा हूँ। आप जब भी कभी सुबह 6-7 बजे घर से निकलते होंगे, 7, 7:30, 8 बजे, तो आप देखते होंगे कि वो केमिस्ट शॉप खुली है। आप रात के कभी लेट आवर्स में आते होंगे, 8:30 बजे 9 बजे अपने घर पे, तो आप देखते होंगे तब भी वो दुकान खुली है। इट मीन्स कि वो आदमी सुबह 7-8 बजे 9 बजे से लेकर रात 9, 9:30 बजे तक ड्यूटी देता है। और आप देख रहे होंगे कि वो केमिस्ट शॉप पिछले 3-4-5 साल से रेगुलर आप उसको देख रहे होंगे। और उस केमिस्ट शॉप में 4-5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट भी हो रखी होगी, उसके बावजूद भी अगर आप अगर इनकम बचाओगे तो 30,000, 35,000, 40,000। तो आरसीएम में अगर आदमी 4-5 लाख ना लगा के सिर्फ अपना इरादा लगा के 2 साल 3 साल मेहनत करते तो उससे बड़ी इनकम यहां ले सकता है साहब। बात सिर्फ समझने की है साहब। और चौथा काम हिंदुस्तानी आदमी करते हैं कैरियर वाइज, वो बनाते हैं अपना प्रोफेशन। कोई वकील बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई चार्टर्ड बन गया, कोई भी प्रोफेशन ले ले। हम मान लीजिए मैं वकील एक एडवोकेट की एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि एडवोकेट बनता कैसे है, थोड़ा सा उस प्रोसेस में जाए। बीए की डिग्री हासिल करी 15 साल, 3 साल एलएलबी, 18 साल, 3, 3.5 साल जो है किसी वकील के साथ बैठ के काम को सीखा, 21-22 साल। 22 साल लगे एक वकील तैयार होने में, और उसके ऊपर 22 साल में लाखों रुपया इन्वेस्ट हो चुका है पेरेंट्स का, तब एक एडवोकेट तैयार हुआ। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि वकालत चलेगी या नहीं चलेगी। आप हिंदुस्तान की किसी कचहरी में चले जाइए, अप्रोक्सीमेट 80% वकील आपको खाली बैठे मिलेंगे साहब, मात्र 20% के पास काम होगा। और हर साल नए लाखों वकील और पैदा होकर अपने पास आउट करके निकल आते हैं। हर प्रोफेशन में यही चीज है साहब, थोड़ा सा बात को समझिए।
यहाँ आदमी 3 से 5 साल काम नहीं करना चाहता, वहां सारी जिंदगी ऐसी तैसी प्रवाह। बात इतनी सी, 140 करोड़ का देश है सर, अप्रोक्सीमेट 150 करोड़ हम जो है बिल्कुल ताजे ताजे पहुंचने वाले हैं। मतलब आप सोचिए कितनी बड़ी संभावना है इस देश में। हमें साबुन सर्फ पेस्ट चाय पत्ती यूज करने वाले लोग नहीं दिखाई देते, हम कहते हैं जी चलता नहीं, चलता चुलता किसी का नहीं है भाई, चलाना पड़ता है। हाँ जी, अपने आप थोड़ी चल जाएगा। आदमी सोचता है कि फार्म साइन कर दिया तो पता नहीं लाखों रुपए कब आने शुरू हो जाएंगे। फील्ड में निकल फिर सारा रास्ता खुलेगा। जो जो आदमी धक्के खाता फील्ड में नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, त्यों तो उसके सामने सारे रास्ते समझ में आने चालू हो जाते। और पांचवी जो चीज अब हिंदुस्तान में पैसा कमाने की आई, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब इन चारों में और पांचवी में फर्क क्या है, बस इस बात को समझ ले साहब, फर्क क्या है। आदमी सारी जिंदगी खेती करे, या मैं कहूंगी 5 साल खेती करे और 5 साल बाद खेती करनी छोड़ दे, तो इनकम आने जीरो हो जाती है तुरंत। 5 साल नौकरी करे, 5 साल करने के बाद छोड़ दे तो इनकम आने जीरो। 5 साल व्यापार करे तो 5 साल के बाद इनकम, जैसे व्यापार बंद कर दे तो इनकम आने जीरो। 5 साल अपने प्रोफेशन पे जाना बंद कर दे करने के बाद तो इनकम आने तुरंत जीरो। लेकिन 5 साल में आपने एक टीम खड़ी कर ली, एक नेटवर्क खड़ा कर लिया, तो सारी जिंदगी आपके इनकम आएगी, आपके बाद आपके नॉमिनी को आएगी, नॉमिनी के बाद उसके नॉमिनी को आएगी, उसके नॉमिनी के बाद उसके नॉमिनी को आएगी, उसके नॉमिनी के बाद। मेरी बात समझ पा रहे हैं सर? आपके 5 साल धक्के खाने से आपकी पूरी पीढ़ियां संवर सकती। हाँ, शुरुआती दौर में काम ज्यादा रहता, पैसा कम आता। इस बिजनेस में काम करने का कम पैसा मिलता है, टिके रहने का ज्यादा मिलता है साथ, टिके रहने का ज्यादा मिलता है। जो काम करते हैं ना, शुरुआती दौर में क्या होता है सर, वर्क 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 इनकम। बीसी सर समझाया करते थे मैं ये बातें सुनते। दूसरा साल वर्क 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 इनकम इनकम। तीसरा साल वर्क वर्क इनकम इनकम इनकम, यानी काम तीसरे साल में घट गया और इनकम बढ़ गई आपके काम के मुकाबले। चौथा साल वर्क इनकम 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 इनकम। पांचवा साल नो वर्क ओनली इनकम 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 इनकम। अगर आपने सही तरीके से 5 साल में इसको सही कामों को कर दिया। लेकिन शुरुआती दौर के ही देख के सारे जो है छोड़ते कि कुछ नहीं आ रहा भाई, कुछ नहीं आता। प्रोडक्ट वेस्ट में तो आएगा ही कैसे शुरू में। आप नेटवर्क तो बिल्ड करिए, अपने ग्राहकों का संगठन तो खड़ा कीजिए, तभी पैसा आएगा। उसका रास्ता खोलना पड़ता है, नेटवर्क बनाइए। पुराने टाइम में जिन लोगों के पास जमीनें ज्यादा होती थी, लोग उनको सल्यूट करते थे, जिसके पास जमींदार है बहुत बड़ा। लेकिन आने वाले 10 साल के बाद हिंदुस्तान में सलूट उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिनके पास नेटवर्क बड़े। आपका नाम भी उस लिस्ट में एक हो सकता है अगर आप समझ गए। देखिए कितना आसान सिस्टम, थोड़ा सा सिस्टम को समझिए। एक व्यक्ति अम्बाला से ज्वाइन होता है, इसने दो व्यक्ति अम्बाला ज्वाइन करवा दी, मैंने दो दो व्यक्ति को अपने अम्बाला ज्वाइन। उन दो में से एक ने जो है, उसका साला रहता था दिल्ली, उसने दिल्ली में ज्वाइन करा। अब दिल्ली वाले का एक साला रहता था लखनऊ, उसने अपने साले को लखनऊ ज्वाइन। अब लखनऊ वाले का एक मित्र रहता था बॉम्बे, उसने बॉम्बे ज्वाइन। यानी अम्बाले वाला तो अम्बाला ही रहा, लेकिन बिजनेस चला गया बॉम्बे। अब बॉम्बे वाला डिस्ट्रीब्यूटर खरीद रहा है, खा रहा है, उससे पैसा अम्बाला में अपने घर पे आ रहा है। एक आदमी बॉम्बे में चाय पी रहा है, उससे ही तुम अपने घर पे आ रही। एक व्यक्ति बॉम्बे के अंदर साबुन से नहा रहा है, उससे पैसा अम्बाला में आ रहा है इनके पास सिस्टम के अंदर। हमें क्या उसको जो है उसके बाथरूम में घुस के नहलाना थोड़ी है साहब, वो अपने आप नहा लेगा। थोड़ा सा माहौल में 2-4 मीटिंगों में भेजोगे ना, अपने आप नहाना भी शुरू कर देगा, रिटेलिंग करनी भी शुरू कर देगा, ज्वाइनिंग करानी भी शुरू कर देगा, है ना। एक व्यक्ति की पेंट फट रही है, उससे पैसा अपने घर में आ रहा है। मतलब लोग सारी जिंदगी धक्के खाने के लिए तैयार है, लेकिन किसी के घर में चाय पी जाए और उससे अपने घर में इनकम आए, इससे आसान कोई काम हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? अपने दिल से पूछे कि किसी की पेंट फट रही हो और उससे पैसे अपने घर में बन रहे हो, तो किसी का जूता फट रहा हो उससे पैसे, कोई चाय पी रहा हो उससे नजारा अपने घर में आ रहा हो, कोई कपड़े अपने घर में धो रहा हो उससे पैसे। यही तो नेटवर्क है सर, ग्राहकों का संगठन। कितनी अजीब चीज है।
रॉबर्ट कियोसाकी साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी लोग नेटवर्क में काम करते हैं। अब ये फैसला आपके ऊपर है कि आप अपना नेटवर्क बिल्ड करोगे या लोगों के नेटवर्क में काम करोगे। या तो अपना नेटवर्क बनाओ, हर आदमी का नेटवर्क है, दूध वाले का नेटवर्क है, अखबार वाले का नेटवर्क है, जिनमें आप आते हो, दूध वाले के नेटवर्क में आप आते हो, अखबार वाले के नेटवर्क में आप आते हो, धोबी के नेटवर्क में आप आते हो, तो वो आपसे कमाते हैं। आपके नेटवर्क में लोग आएंगे, वो आश्रम का सामान खरीदेंगे, खाएंगे, आपने दुकान चेंज करवा दी, आदतें चेंज करवा दी, तो आपके आपका काम हो जाएगा सर। लेकिन फिर भी इसको छोटा समझ के फंसे रहते हैं छोटी छोटी चीजों में। शर्म आती है लोगों को आश्रम बताने में, लोग क्या कहेंगे। LKK, मैं टीचरों के किसी को बिजनेस समझाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, और लोगों का काम है कहना। और छोड़ो बेकार की बातों को, बस आश्रम की प्लान और आश्रम के प्रोडक्ट दिखाते रहना, आपका काम हो जाएगा साहब। अमीर बनने के लिए दो ही आदमी चाहिए आपको इस बिजनेस में करोड़पति बनने के लिए। दो सही आदमी आपको करोड़ों रुपया, अरबपति, करोड़पति बना सकते, कुछ भी बना सकते। 2 लीटर आपके दोनों लेगों में आ गए तो काम हो गया आपका, तो बिजनेस को समझते हैं। शीश पंडित जी कहते थे कि अब हम उस लक्ष्मण रेखा को पार कर चुके हैं जहां पर ये डर था कि लोग क्या कहेंगे। अब तो बात ये हो गई है कि नाकाम अपने घर पे लौटे तो लोग क्या कहेंगे, कि इतना आसान काम भी इससे नहीं हो पाया। इससे आसान धंधा कोई जो है वो हो नहीं सकता जो। और अपनी कामयाबी इस बिजनेस में आदमी किसी की वजह से कामयाब नहीं होता साहब। कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर कामयाबी अपनी वजह से हासिल करता है साहब। सपोर्ट सारे सिस्टम की रहती है, कोई दूसरा नहीं आएगा आपके हिस्से का काम करने। आपको अपने हिस्से का काम करने के बाद ही सिस्टम से फायदा मिल पाएगा। आदमी अपनी अंदर की ताकत से ही कामयाब होता है। शिवखेड़ा साहब ने जो है एक बुक है, शिवखेड़ा साहब की जीत आपकी, उसमें गुब्बारे वाली कहानी है कि एक व्यक्ति समुद्र के किनारे गुब्बारे बेच रहा था। वो जैसे ही उसकी सेल डाउन होती तो एक गुब्बारा भरता गैस से और उसको हवा में छोड़ देता। तो गुब्बारा जो है बच्चे देखते, तो फिर बच्चे जो है धीरे धीरे अपने पेरेंट्स को कहते, तो उसकी सेल जो है वो बढ़ जाती इस प्रकार से। तो इतने में गुब्बारे वाले के पास एक छोटा सा बच्चा गया और उसने पूछा कि अंकल अंकल, क्या ये काले रंग का गुब्बारा भी हवा में उड़ता है। तो गुब्बारे वाले ने जवाब दिया उसके मासूम से सवाल को सुन के कि बेटा, गुब्बारा हवा में अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, गुब्बारा हवा में इसलिए उड़ता है कि इसके अंदर क्या है। अपने रंग की वजह से नहीं, अपने अंदर की वजह से। अगर आप स्ट्रोंग डिटर्मिनेशन के साथ इस बिजनेस में लग जाते हो, अगर आपके ड्रीम है इस बिजनेस के अंदर कुछ पाने के जिंदगी के अंदर, तो ये बिजनेस आपको जो है, लोग दाल रोटी के चक्कर में पड़े रहते, दाल रोटी सारी उम्र निकल जाएगी साहब। ये सपने पूरे करने का ड्रीमर लोगों का बिजनेस है, थोड़ी सी जान लगाएं। और नेटवर्क में 3 स्टेप्स आते हैं मेन, कलेक्शन, सिलेक्शन एंड देन डायरेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कलेक्ट द पीपल, अपनी एक संगठन खड़ी करनी, लोगों को इकट्ठा करना विदाउट जजमेंट कि ये करेगा नहीं करेगा। फिर सिलेक्शन, फिर उसमें से सिलेक्ट करेगी कौन आदमी मीटिंग में आता, कौन आदमी परचेजिंग कर रहा है, कौन आदमी फॉलो कर रहा है, कौन आदमी अप्लाइंग कॉन्टेक्ट में, कौन आगे बढ़ना चाहता है। फिर देन डायरेक्शन, फिर उनको सही दिशा में ले जाना और उनके साथ मिलकर उनका काम बढ़ाना। कलेक्शन, सिलेक्शन एंड डायरेक्शन, 3 स्टेप में नेटवर्क बिल्ड होता है। और नेटवर्क आरसीएम में करने के लिए 4 चीजें हमारे पास जो है मेन है, जिन पे हमें काम करना चाहिए। सबसे पहली चीज है, प्लान दिखाने से नेटवर्क बढ़ता है। मोर प्लान मोर बिजनेस मोर इनकम, नो प्लान नो नो बिजनेस नो इनकम, मोर प्लान मोर बिजनेस। अब प्लान दिखाने के 3 तरीके हैं हमारे पास। पहला 1-to-1 प्लान, दूसरा होम मीटिंग प्लान, और तीसरा बड़ी मीटिंग या सेमिनार जो है वो प्लान है ना। मैं अपनी बात को थोड़ा सा फास्ट में करता हूँ सर, अगले 5 मिनट के अंदर इसको थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं क्योंकि समय भी हो रहा है। दूसरी जो चीज है वो है 6 बेसिक्स, तीसरी जो चीज है वो है वाइटल पिन, और चौथी जो चीज है वो है डिस्प्ले बार। इन 4 चीजों से आपका नेटवर्क बिल्ड होगा।
इन चार चीजों से। और नेटवर्क बना लिया आपने, फिर नेटवर्क को चलाना कैसे, दूसरी चीज आप सिस्टम से कनेक्ट कीजिए, यूएस के चैनल से कनेक्ट कीजिए, टीसी साहब की सुबह 6:30 बजे वाली मीटिंग से कनेक्ट कीजिए टीम, आप देखिए टीम के अंदर आपको जो है बहुत बड़ा आपको बदलाव देख रहे। सो इंडस्ट्री बड़ी तेजी से बढ़ रही है दोस्तों, क्योंकि समय भी हो चुका है, और फिर लंबी बातचीत, फिर दोबारा कभी आप लोगों के साथ फिर दोबारा मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे।